के तरफ है, हम कहाँ जाएंगे सर, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बच्चा पालेंगे अपने, कहाँ फैल पाएंगे। सरकार ने बुलडोजर की स्टेरिंग हाथ में दे दी, सो जैसी समझ में आए वैसी पट को, और कोनू बुजुर्ग इंसान के संगे भी वो कारनामा कर दो, जी खो हर को इंसानियत के नाम पे धब्बा बोल देवे। दमोह जिला के हटा में विगत दिनों भाजपा के नेता अनुराग वर्धन हजारी के ऊपर प्राण घातक हमला करने को आरोप हतो। सक्षम हजारी के सह आरोपी पिता आलोक वर्धन हजारी के, और यही वजह से बस स्टैंड स्थित शासकीय भूमि पर बने ऑफिस को जेसीबी ने तोड़ दो। ई के बाजू में बने कृष्णा भोजनालय को भी राजस्व और नगर पालिका की टीम ने नहीं बख्शे और पूरी दुकानें तोड़ दी गईं, और ई के संग ही दुकानों के सामने से 15 फीट आगे से बनाए गए टीन सेट को भी हटा दो गो। लेकिन सवेरे सवेरे पूरी अतिक्रमण हटावे की कार्रवाई में एक भोजनालय भी तोड़े गो। जीक के संचालक अपने घर से दुकान नहीं पहुंच पाए और उनके पहले टीम ने पूरी दुकान तोड़ दी। सूचना मिली सो होटल संचालक मिंटू गुलरिया पहुंचे और आरोप लगाओ के बिना कोनो सूचना के उनके भोजनालय को तोड़े जा रहो। उनने हाथ पांव जोड़े और कई के बस एक घंटा की मोहलत दे दो सो हम पूरी दुकान खाली कर दें, लेकिन समय नहीं मिले मौके पे, और ई के बाद होटल को फर्नीचर दुकान जेसीबी से ध्वस्त कर दी गई। उनने आरोप लगाओ कि जो जमीन उनने आलोक वर्धन हजारी से खरीदी थी और पूंजी नहीं होने के चलते टीन सेट को कच्चो निर्माण करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। उन्हें नहीं पता होता कि जब जमीन सरकारी है। और अब जब उनकी दुकान को अतिक्रमण बता तो भय कार्रवाई होनी हती तो तनक तय मिल जातो, लेकिन जब उनने जेसीबी चलने को विरोध करे तो पुलिस उन्हें घसीटत भय अभद्रता करत भय थाने ले गई। मौके पर पुलिस को कहो है कि ज्यादा विवाद ना हो, एक से इनको निरुक्त करेगा तो बाद में छोड़ दो हो, तो कहीं नगर पालिका को कहो है कि दुकान संचालक को एक दिन पहले सूचना दी गई थी, लेकिन उनको ध्यान नहीं दो। अब विपक्ष की पूरी कार्रवाई को राजनीति बता भय सवाल उठा रहा है। ये जो घटनाक्रम हुआ है कि शिवराज सरकार प्रशासन को आगे करके लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके एक गरीब दुकानदार जिसकी रोजी रोटी उसी व्यापार से चलती थी,
उसकी दुकान को तोड़ दिया गया, जबकि जिस विषय पे ये कार्रवाई हुई उसके आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये दुकानदार वहाँ किराएदार था। उसके बाद भी जिस प्रकार की शिवराज सरकार प्रशासन को आगे करके कार्रवाई कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला कार्य है। आज न्यायपालिका है, हर संविधान में हर गलती के लिए सजा है, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये जो शिवराज डर का माहौल बनाए हैं कि कोई जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, आप देखेंगे विधानसभा में, आप पता कर लें कि कितने विधायक, कितने सांसद दागदार हैं, उन पर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लिस्ट है मुकदमों की, लेकिन उन पर शिवराज का बुलडोजर नहीं चलता। शिवराज का बुलडोजर चलता है गरीब निरीह आदमी पर। तो इसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम प्रशासन को भी स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि शिवराज सरकार की सह पे जो आप गलत काम कर रहे हैं इसे बंद करिए, नहीं तो सड़कों पर आकर हम लोग विरोध करेंगे। कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना था कि कोई भी दंगाई या कोई भी गलत आदमी का हम समर्थन नहीं करते, पर इसकी आड़ में जो छोटे गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है इसका हम विरोध करते थे और सड़कों पर आकर विरोध करते हैं। बुलडोजर चलावे के नाम पे अतिक्रमण हटावे की जो कार्रवाई है, क्यों जगह तो ठीक है, लेकिन क्यों जगह सवालों के घेरे में है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो तय को कर रहा हूँ कि को सही को गलत। हटा से रविकांत बिजोलिया पुंजेरी पोछार के लाने।